स्वागत है आपका मेरा चैनल बुक विद प्रदीप में। हमें आशा है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ है और अच्छे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इस चैनल में हम आपके लिए लाएंगे घर में बना रेस्टोरेंट जैसा खाना, जैसी सिंपल और इजी रेसिपी। हमें आपके प्यार और आपके साथ की ज़रूरत है। देखते रहें हमारी वीडियो को ताकि हम आपके लिए नई नई रेसिपियाँ ला सकें। आज हम बनाएंगे बॉम्बे फिश भरता। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए हमने ले लिया है बॉम्बे फिश, इसको बॉम्बे फिश कहा जाता है। अब हम इसको लो फ्लेम में चढ़ा देंगे और इसमें पानी डालेंगे, हम इसको बॉईल करेंगे। आप देख सकते हो कि हमारी फिश बॉईल हो चुकी है। इसको सिर्फ 5 मिनट ही बॉईल करें, ज़्यादा बॉईल ना करें, क्योंकि हम बॉईल इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बोन है वो अलग हो जाए और इसका मांस अलग हो जाए। आप देख पा रहे होंगे कि हम फिश की जो हड्डी जिसको हम कांटा कहते हैं, हम उसको अलग कर रहे हैं और मांस को एक जगह अलग कर रहे हैं। तो जो इसके अंदर जो कांटा है हम उसको निकाल लेंगे और जो मांस है उसको एक बॉल में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारी फिश को निकाल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमने फिश के कांटे को एक अलग बॉल में निकाल दिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 चम्मच हम मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे और हमने 1 प्याज स्लाइस करके कट करके रखा हुआ है, प्याज को हम डाल देंगे। और प्याज को हम अच्छे से तेल में भूनेंगे। प्याज को बराबर हिलाते रहें ताकि प्याज जो है हमारा पूरा बराबर से पक जाए। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, 1 कटा हुआ टमाटर हमने इसमें डाल दिया है। अब 2 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे। और नमक हम इसमें स्वादानुसार डालेंगे। दो चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। और 2 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और 3 छोटे चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से हिलाएंगे और टमाटर को हम पकाएंगे अच्छे से। और 2 चम्मच हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ये पूरा मसाला अच्छे से पक जाए। अब जो हमने फिश का जो मांस अलग करके निकाल के रखा हुआ है, अब हम फिश को इसमें डाल देंगे और हम इसको हिलाएंगे और पकाएंगे इसको अच्छे से। फिश को हल्की आंच में पकने दें। और इसको हिलाते रहें
ताकि हमारी जो फिश है वो नीचे ना लगे, तो इसको आप बराबर हिलाते रहें। और जिस पानी में हमने फिश को बॉईल किया है उसी पानी को हम इसमें डाल देंगे, उससे और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। वो उसका स्टॉक है तो वो उसमें डाल दें तो वो अच्छा फ्लेवर उसमें आएगा। अब हम इसको ड्राई होने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे और जो इसमें ग्रेवी दिख रही है उसको हम अच्छे से सुखा देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो ग्रेवी है वो सूख गई है और फिश ड्राई हो चुकी है। हमारा बॉम्बे फिश भरता अभी तैयार है। हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप अपना कीमती समय हमारी वीडियोस के लिए निकालते हैं। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।